बधाई हो, कोविड हुआ है, क्या बोलूँ अब इस सिचुएशन में। हर तरफ सब इतने परेशान और दुखी हो रहे हैं, तो मुझे लगा मैं ही हंस लूँ। मुझे तो ऐसे हुआ कि मेरे साथ साथ मेरे घर में सबको हो गया, कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे लोग पॉजिटिव हैं और बस एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, इसी ख्याल के साथ के जल्दी से नेगेटिव हो जाए, टेस्ट करा रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्या बताएं। मैंने एक पोस्ट डाला था RT-PCR टेस्ट से रिलेटेड, बट उस रिपोर्ट का इंतज़ार करते करते मुझे बाकी सारे सिम्टम्स आ गए और उस रिपोर्ट का कोई भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उसके पहले एंटीजन ऑलरेडी वैसे हो गया था, बट RT-PCR थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल लग रहा है इस वक्त। लेकिन सच बताऊँ तो रिपोर्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव से ज़्यादा अपने सिम्टम्स पे यकीन रखो। आपको जो फील हो रहा है, अगर आपको नॉर्मल से कुछ भी थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, तो जाओ और सबसे पहले टेस्ट करा लो, एंटीजन RT-PCR CT सारे टेस्ट करा लो, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पर हो इस वक्त। क्योंकि जितना भी बच बचाव कर लो, रख रखाव कर लो, सेफ्टी कर लो। ये देखो एक्चुअली रात है ये और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। अब ये देखो इतने से बच्चे को आप कैसे दूर रख सकते हो, कैसे दूर रख सकते हो आप। मतलब शुरू यूँ हुआ कि सबसे पहले मेरी बेटी को फीवर आया था एंड वो दो दिन उसको चढ़ा उतरा और बहुत माइल्ड सा फीवर था, तो इतना कंसर्न नहीं किया और इधर ये वाला थॉट ही नहीं गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दवा दी और वो उतर गया। उसके बाद मुझे फीवर आना शुरू हुआ और मुझे भी 99 और 100 से ज़्यादा ऊपर नहीं रहा, लेकिन हाँ मुझे हल्का हल्का ना पेट में दर्द हो रहा था कुछ दिनों से। बट मैं सोच रही थी कि हो सकता है एसिडिटी हो या कुछ और वजह हो, क्योंकि जो हल्का फुल्का पेट दर्द है ये कभी कुछ खाने से, इंडाइजेशन से, इन सबसे होता ही रहता है, तो मुझे इतना सीरियस नहीं लगा। जिस बात का डर था वही हुआ, सबको कोरोना हो गया, घर में सब पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव वर्ड पहली बार इतना नेगेटिव लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि घर का माहौल कैसा है, हर वक्त कैसी फीलिंग आ रही है। दिन में 3-3 बार दवाइयाँ खा रहे हैं, इतनी सारी सारी, फिर घर में बच्चे हैं छोटे जो कि वो भी पॉजिटिव हैं। और जब इनिशियली टेस्ट हुए थे तब मेरा बेटा जो सबसे छोटा है वो नेगेटिव आया था, बट फिर जब मेरे डॉक्टर्स से बात हुई तो वो मेरी दो डॉक्टर्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक मिथ है, ये एक वहम है आपका कि वो नेगेटिव है, शायद आपने टेस्ट बहुत जल्दी उसका करा लिया और आप अभी 2-4 दिन रुक के अगर कराओगे तो उसका भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। और जब घर का माहौल ऐसा है कि घर में 3-3 लोग पॉजिटिव हैं ऑलरेडी, तो बच्चा कैसे नेगेटिव होगा। क्योंकि जिस तरह की ये बीमारी है जो सी अब इतना पास आके बच्चा, और कितना ही मैं रोकूं, कितना रोकूं, इतने छोटे से बच्चे को आप क्या समझाओगे कि नहीं पास नहीं आओ, दूर रूम में रहो। मेरे घर में यहाँ पे 3 रूम्स हैं, बट एक रूम तो स्टोर रूम है, उसमें तो बेडिंग है नहीं, 2 रूम्स में बेड्स हैं, तो हम लोग अलग अलग सब अलग अलग रूम्स में गए इनिशियल डेज में। बट बच्चों के साथ नहीं मैनेज हो रहा था, तो आरू और मेरा बेटा हम लोग साथ में ही हैं और मैं हर 5 मिनट में अपने हाथ सैनिटाइज कर रही हूँ, इन दोनों के हाथ सैनिटाइज करा रही हूँ, मैं जिस जिस चीज़ को छू रही हूँ वो चीज़ें सैनिटाइज करती जा रही हूँ कि जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं उतना प्रिकॉशन ले ले। बट जितना भी प्रिकॉशन ले लो, इस चीज़ से एक बार गो थ्रू होना ही पड़ेगा। ये तो मैं मेंटली पहले प्रिपेयर हो गई थी कि नहीं भी ये सिलसिला चलेगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि कितने दिन तक चलेगा और कब ख़त्म होगा। मीन्स प्रेजेंट तो लगा दिए, अब क्लास ओवर कब होगी, बस ये फीलिंग आ रही है सीरियसली।
क्योंकि अपना तो ठीक है, बच्चों को जब दवाइयाँ खिलानी पड़ रही हैं ना, वो मुझे बहुत ही बहुत परेशान कर रहा है वो चीज़, जब बच्चों को दवाइयाँ दे रहे हैं। मेरा बेटा बिल्कुल दवाई नहीं खा पाता, और बेसिकली उसको एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक ही दे रही हूँ। एंटीबायोटिक तो मैं जब उसको फीवर आया था तभी दी थी, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि अब नहीं देना है, अब सिर्फ एंटी एलर्जिक दवाई दीजिए। और बेटी की चल रही है हाफ हाफ मेडिसिंस और कैल्शियम विटामिन सब चीज़ों की। तो ये वाला फेज़ बहुत गंदा हो रहा है, सुबह से शाम तक, रात तक स्टीम, दिन में चार चार पांच पांच बार, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी बार स्टीम दिला रहे हैं। लेकिन वो वही बेटा स्टीम लेने में भी रो रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि वो लेना नहीं चाहता स्टीम। लेकिन टच वुड, मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो बहुत हेल्प कर देती है, वो खुद स्टीम वगैरह ले लेती है, उसके साथ इतना लगना नहीं पड़ता। बट बेटी के साथ बहुत दिक्कत हो रही है, और वो दवाई खाने पे भी वॉमिट कर दे रहा है, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है। बाकी तो माहौल यही चलने वाला है, पता नहीं कब तक। बस एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि सरकार क्या कर रही है हम लोगों के लिए, कुछ सोच नहीं रही। और लास्ट टाइम भी जब लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मोदी जी ने कह दिया है कि लॉकडाउन को लास्ट ऑप्शन मानना, बट अभी मेरी सिटी में ट्यूसडे टू ना ना फ्राइडे टू ट्यूसडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे लॉकडाउन लगा हुआ है। और वीकेंड लॉकडाउन तो चल ही रहा है, बट वीकेंड लॉकडाउन से कितना फ़र्क पड़ेगा जब तक, मुझे नहीं लगता, क्योंकि चेन ब्रेक नहीं हो रही है, और जब तक चेन ब्रेक नहीं होगी तब तक रुकना बड़ा मुश्किल है। अभी जब मेरा ये हम लोग के टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे, फिर नीचे एक बार हम लोगों ने एंटीजन भी करा लिया था लास्ट में, वो भी सारे पॉजिटिव ही थे। तो वो क्योंकि सरकार की तरफ से टेस्ट हो रहे थे, तो सरकार को जैसे ही पता चला कि भैया इस घर में तीन तीन पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, तो उन्होंने तीन होम आइसोलेशन किट्स भेजी हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे योगी जी को बड़ा ख्याल है अपनी जनता का। इसमें वो सारी मेडिसिंस हैं जो कोविड पेशेंट्स को दी जा रही हैं, और ये एक एज अ प्रिस्क्रिप्शन कह लो या जो भी बोल लो, इसमें वो लिखा भी है कि आपको कौन सी मेडिसिन कब लेनी है। 6 दवाइयां हैं इसमें, कौन सी आपको रोज़ लेनी है, कौन सी बुखार आने पे लेनी है, कौन सी एक बार लेनी है, कौन सी दो बार लेनी है, तो वो सब इसमें मेंशन है। और ये सारी दवाइयाँ हम लोगों को दी गई हैं, भिजवाई गई हैं। तो थैंक यू योगी जी, आप ख्याल रख रहे हो, दवाइयाँ लेने हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, आप घर घर भेज रहे हो जो पॉजिटिव निकल रहे हैं। जो प्राइवेट में टेस्ट करा ले रहे हैं, मुझे उनका नहीं पता कि उनको भेजी गई है या नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास डेटा पहुंच रहा है वो तो उसी हिसाब से वर्क करेंगे। ये देखिए ये फिर आ गए हैं। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूँ, मैं आप उसका एक्सपीरियंस सुनो कि उसको कैसा लग रहा है, वो क्या फील कर रही है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है हम लोगों के मुकाबले, और वो अच्छे से फाइट कर लेते हैं। हम लोग 99 और 100 बुखार में भी एकदम बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन बच्चों को 102 101 बुखार है तब भी वो नॉर्मल खेल रहे हैं, पता नहीं चल रहा। तो बच्चों की जो पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। मेरी बेटी कह रही है मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, मतलब टच गोल्ड टच वुड ना फील हो उसको कुछ ऐसे, और ये फेज़ इजीली निकल जाए। लगभग 10 दिन हो ही गए हैं, और 3 4 दिन 5 दिन देखते हैं। मैं आपको आरू से मिलवाती हूँ। से हेलो, हेलो। ये आराध्या जिसको मैं आरू बोलती हूँ। आरू कैसा फील हो रहा है अभी? कुछ नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा, कहीं पेन हो रहा है, नो कुछ अजीब सी फीलिंग, नो, मजा आ रहा है कि क्लास नहीं करनी पड़ रही? यस। स्कूल वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं, इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, बट मैंने इसको बोला अभी क्लासेस मत करो, जो वर्क आ रहा है वो लेते रहो। तो इसको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने आजकल इसको मोबाइल अलाउ कर दिया है, तो ये मोबाइल देख रही है। वैसे मैं इसको मोबाइल देती नहीं हूँ, तो बच्चों की मौज हो रही है। और बाकी ये बहुत स्ट्रांग गर्ल है, और ये एक शैतान बेबी है जो मास्क नहीं पहन रहा है। हेलो करो, हाय हाय करो। लेकिन ये अब इतना दूर भी नहीं रह सकता, इसको जितनी देर हो रहा है मास्क पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हटा देता है। बस सैनिटाइज कर रहे हैं, और इसको स्टीम हम लोग ज़्यादा दिला रहे हैं,
प्लीज थोड़ी देर ओके उसको कैमरे में खुद को देख के बहुत मजा आ रहा है। हेलो किया, हेलो करो। नहीं नहीं, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं। फीवर है? नहीं। कुछ नहीं है? तो ये हमारा एक्सपीरियंस था जो चल रहा है। बाकी और कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल वही 9वां 10वां दिन है, तो बस चले लिए समय कट जाए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगेन योगी जी थैंक यू फॉर मेडिसिंस, और हम लोग का ऐसे ही ख्याल रखते रहिए। थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो पब्लिक का हाल हो रहा है, लेकिन अब अच्छा फील हो रहा है कि नहीं आप लोग ख्याल रख रहे हो, तो थैंक यू उसके लिए। और प्रे कीजिए हम लोगों के लिए, हम लोग जल्दी ठीक हो जाएं, सब जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। मैं मेकअप वीडियोस बनाऊं भी सोच रही थी, ईद मेकअप वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत वीकनेस लगती है एक्चुअली। मतलब एक्सप्रेस मेरी आदत कम है करने की, लेकिन कि अगर मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ बहुत अनब्यूरेबल नहीं है तब तक मैं नहीं बताती हूँ, बट इसमें सच में बहुत वीकनेस लगती है, चक्कर आते हैं और सबके अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ नॉर्मल से अलग लगती है, चाहे वो सर दर्द हो, कान में दर्द हो, गले में दर्द हो, आपके टेस्ट बड्स चाहे आपको स्मेल नहीं आए, जैसे मुझे स्मेल नहीं आ रही थी लेकिन अब आने लगी है, और कुछ भी, कोई रैश हो रहा है, कहीं पेन हो रहा है, कुछ भी आपको अलग लगता है नॉर्मल से, तो प्लीज़ चेक कराओ, टेस्ट कराओ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव आ रही है और आपके सिम्टम्स कंटिन्यू है तो आप बार बार टेस्ट कराओ, क्योंकि हाँ बेटू ओके ये लो। चलो अब गुड नाइट, मेरे बच्चों के सोने का टाइम हो गया, मिलती हूँ जल्दी से नए वीडियो या नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।